ये एक्सरसाइज 1.6 है नंबर सिस्टम में, सीबीएसई बोर्ड के क्लास 9th के बच्चों का। इसमें जनरली ये एक्सपोनेंट मेथड्स के क्वेश्चन है, 1.6 एक्सरसाइज है सीबीएसई बोर्ड के अंदर मैथ्स की। अगर आपको मेरे साथ कोचिंग में जुड़ना है तो आप क्लास प्लस लाइट ऐप को डाउनलोड करके टीचर कोड यूज करेंगे UBGKNE, तो आप हमारे साथ 1-to-1 जुड़ सकते हैं लाइव क्लासेस के थ्रू, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू और सैम्पल पेपर्स के थ्रू। अब हम अपना वीडियो शुरू कर रहे हैं। नंबर सिस्टम के पूरे वीडियोस बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वीडियो है, पहला क्वेश्चन है 125 to the power 1/3। ये एक्सपोनेंट के क्वेश्चन है। इसको समझाने के पहले हम आपको ये बताएंगे कि जैसे आपका ये है 125 के ऊपर 1/3, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहां पर जो भी गिनती है आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन आप जब निकालेंगे तो ये बन जाएगा 5 के ऊपर 3, क्योंकि 5 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 है। इसको आप और ध्यान से समझ सकते हैं। 125 क्या होता है, 5 × 5 × 5 to the power 1/3। तो ये देखिए 5 आपका 3 बार हो गया, तो यानी 5 के ऊपर 3 to the power 1/3। ठीक, हमारा एक फॉर्मूला होता है a के पावर m ब्रैकेट बन के a के पावर n। इसका आंसर होता है am × n। इस फॉर्मूले में आप लोग को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और एक फॉर्मूला होता है a के पावर m · a के पावर n। तो यहां पर आप दोनों को प्लस करोगे, लेकिन अगर ये ब्रैकेट बना हुआ है तो आप ये दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करोगे। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। तो यहां पर ये ब्रैकेट बना हुआ है, क्वेश्चन क्या है 5 3 का पावर 1/3। देखिए ये ब्रैकेट बना हुआ है तो हमको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है 3 × 1/3। तो 3 3 कट गया तो ये आंसर आपका क्या आ गया, 5। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 16 to the power 3/4। अभी यहां पर आपका पावर 1/3 था, अब आप इसको कैसे करोगे। देखो आप 16 ऐसे लिखोगे, जो आपका पावर नीचे वाला है 4, ये आप पहले 1/4 लिखो, एकदम याद कर लो। जो नीचे वाला पावर है वो पहले लिखोगे, इसके बाद आप ऊपर लगाओगे 3। इस प्रोसेस को आप याद कर लो। जो डिनोमिनेटर का पावर है वो अंदर लिखना और ऊपर का पावर बाहर लिखना। आप 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, और कितनी बार में करना है, 4 बार में। तो आप 2 वाला लीजिए, 2 × 2 × 2 × 2 to the power 1/4 to the power 3। अभी 2 आपके 4 बार हो गए, 1/4, और ये आपका 3 हो गया। तो अब आप ये नीचे सारे पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये पावर हो गया 3, ये 4 4 आपका कैंसिल हो गया। अब ये पावर गया 2 के ऊपर 3, यानी 2 को हमको 3 टाइम्स लिखना है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये बताने के पहले मैं ये बताऊंगी। देखिए 2 के पावर 2/3 / 2 के पावर 1/5, सेम आपका बेस है, पावर्स अलग अलग है। देखिए एक चीज और बता दें, जैसे ये लिखा है 2 के पावर 4 या 5, तो ये जो 2 है जिसके ऊपर पावर है इसको बोलते हैं बेस, और ये जो ऊपर होती है इसको बोलते हैं पावर। एक नाम और होता है डिग्री, या तो बोलते हैं एक्सपोनेंट, 3 नाम होते हैं इसके। लेकिन जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं बेस। कोई इसको कुछ भी बोले, पावर बोले, डिग्री बोले, एक्सपोनेंट बोले, ये यही मतलब होता है। अब आप इधर देख लीजिए, तो 2 के पावर 2/3 + 1/5, नाउ वी एड अप बोथ ऑफ देम, वी गेट 3 5s are 15, 5 2s are 10, 3 1s are 3, दैट मीन्स वी गेट 13/15, दैट मीन्स 2 to the power 13/15। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई लेफ्ट ओवर हियर, 125 - 1/3। ओके, अगेन आई टोल्ड यू 125 आपका जो डिनोमिनेटर है दैट इज 1/3, वी राइट हियर एंड -1 हियर। नाउ इट्स बिकम वेरी इजी, सो वी गेट 5 × 5 × 5 to the power 1/3 to the power -1। नाउ वी लेफ्ट ओवर विथ 5 के ऊपर 3 × 1/3 to the power -1, वो 3 गेट कैंसल्ड, वी गेट 5/-1।
यहाँ पर एक नेक्स्ट फॉर्मूला आपको मेंशन करूंगी, अगर ए के पावर माइनस वन है तो इसका आंसर वन अपॉन ए होता है, तो इन द सेम वे वी गेट द आंसर वन अपॉन फाइव. नाउ नेक्स्ट वन, इलेवन वन बाई टू, इलेवन वन बाई फोर. वॉट डज इट मीन, आप क्या करो, ये इलेवन ऐसे लिखा, वन बाई टू लिखा. अब इस इलेवन को हमें ऊपर लाना है. अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, ए के ऊपर माइनस वन है तो वो वन बाई ए है. अगर हम इसी को उल्टा कर लें कि अगर वन बाई ए है, हम इसे ऊपर ला रहे हैं तो ए के ऊपर माइनस वन लगा रहे हैं. तो यानी ये अगर ये जो है ये अगर ऐसे है वन बाई इलेवन के पावर वन बाई फोर, तो हमको इसे ऊपर लाना है, तो ये क्या बन जाएगा, इलेवन के ऊपर माइनस वन बाई फोर. क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई कि ये क्यों ऐसे किया गया. तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसको ऊपर लेकर आएंगे तो इलेवन के ऊपर माइनस वन बाई फोर. ओके, अब हमने आपको फॉर्मूला बताया, ए के पावर एम, ए के पावर एन, ये हम दोनों जोड़ देते हैं, वी ऐड बोथ ऑफ देम. सो इलेवन वन बाई टू, इलेवन माइनस वन बाई फोर, we have to add both of them, so we get 11 as the same one, 1 by 2 minus 1 by 4. Now we have 11, 4, 2 to the 4 minus 1, that is 11 to the power 1 by 4, this is our answer. Now next one, 1 to the power 3, 2 to the power 7. What does it mean? 3 ke power 3 hai. हम इसको ऊपर देखे गए, माइनस थ्री होंगे, सेवन, दैट मीन्स थ्री के पावर माइनस ट्वेंटी वन. और या तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, थ्री के पावर ट्वेंटी.